गाइस, तो जैसे ही समर आती है मार्केट में आपको काफ़ी सारे पाइनएप्पल देखने को मिलते हैं, और पाइनएप्पल विटामिन सी का रिच सोर्स है और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्रेश पाइनएप्पल से बना हुआ इंस्टेंट पिकल, जो कि बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, अमेजिंग है। तो चलिए आप इस रेसिपी को हमारे साथ देखिए और बनाइए आज का अमेजिंग पिकल। तो गाइज़, पिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो घर पर पाइनएप्पल को छीलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप कोशिश कीजिए कि बाज़ार में जो इसको सेल करते हैं वही आपको कट करके दे देंगे, जो इसके कांटे होते हैं वो इजीली निकाल कर दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको पीसेस में कट कर लेना है छोटे छोटे। तो चाकू के द्वारा एकदम आप बारीक चॉप कर लीजिए। और गाइज, ये जो पिकल है ना, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगता है और बहुत ही आसानी से बनाना, आप मिनटों में से बना सकते हैं। जैसे कि आप हरी चटनी, धनिया और पुदीने की बनाते हैं, वैसे ही ये बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, चॉप कर लिया है मैंने एकदम बारीक छोटे छोटे पीसेज में। अब हमें क्या करना है, थोड़े से इसके लिए फ्रेश मसाले हम सौते करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मेथी, और 1 चम्मच डालेंगे येलो राई, और इसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच ही मोटी हरी सौंफ। तो इनको हमें मीडियम फ्लेम पर सौते कर लेना है, जब तक कि इनमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू ना आने लगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, बस जब तक खुशबू आने लगे नहीं भूनना है। और इन मसालों को आप गाइज ज़्यादा भी भून के रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे पाइनएप्पल पिकल बनाने का और जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसको पीसेंगे दरदरा। तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में हमें नहीं पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। क्योंकि जब आप अचार खाते हैं और दरदरा मसाला जो है मुँह में आता है तो बहुत ही स्वाद आता है उसमें। तो देखिए, इस तरह से इसको दरदरा हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे एक पैन और जो पाइनएप्पल हमने चॉप किए थे उनको हमें थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। और गाइज, आप यकीन मानिए, एक बार जब इसे आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली इसको बार बार बनवाएगी। इतना टेस्टी और डिलीशियस होता है खाने में, और फ्रेश पाइनएप्पल और फ्रेश मसालों से जब हम इसे बनाते हैं ना, तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो देखिए, कुक हो चुका है, 3 से 4 मिनट मैंने इसे कुक किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो 2 चम्मच चीनी डाली है, चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सिरप चाहिए। 1 चम्मच मैंने डाला है नॉर्मल प्लेन सॉल्ट, और इनको मिक्स करके लिड लगाकर अब हमें इसे थोड़ा सा और कुक कर देना है, क्योंकि जो चीनी और नमक हमें डाला है वो पाइनएप्पल के अंदर अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगा। तो बस अब हमें लिड लगा देना है और मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसे कुक होने दीजिए। तो देखिए, कुक हो चुका है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसको आपको कुक नहीं करना है, हल्का सा पीसेस में ही रखना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, और डालेंगे मसाला जो कि हमने अभी अभी बनाया था फ्रेश। तो मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने 1.5 चम्मच डाला है, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है क्योंकि हमने प्लेन सॉल्ट भी इसमें ऐड किया था। और थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला, और इन सबको हमें डालकर कर देना है मिक्स। तो अचार जो है ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा और कुक होने देंगे। तो ज़्यादा कुक होने कराने से का फ़ायदा ये होता है कि आप इसे लंबे टाइम तक भी रख कर खा सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं, बस अब इसको थोड़ा सा हम होने देंगे कुक। तो लिड लगा दीजिए और 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने दीजिए। और देखिए गाइस, अचार का कलर आप देखिए कितना बढ़िया आया है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। अब बस इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी जैगरी, और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर। तो वाइट विनेगर मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 चम्मच ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इनको दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है बस 1-2 मिनट के लिए, और इसे आप कुक कर लीजिए। और हमारा फ्रेश पाइनएप्पल पिकल बन के गाइस रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपको ज़्यादा सिरप चाहिए तो शुगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए, तो उसमें आपको सिरप ज़्यादा मिल जाएगा। तो पिकल गाइस रेडी हो चुका है। अब आप इसे जैसे भी आपको खाना है, ठंडा करके खाना है या गर्म करके खाना है, कैसे भी खा सकते हैं। और इसे आप रख भी सकते हैं आराम से, चल जाता है, फ्रिज में आप रख दीजिए, आराम से 1 वीक चल जाता है। वैसे तो ये बचता नहीं है,
जब ये बनता है तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, इतना टेस्टी और डिलीशियस है। तो गाइज़ आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, अगर पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसे लगी। और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ ऐसी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।